हेलो जी, नमस्कार। तो आज का जो ब्लॉग है वो है पापा जी के पिंडा पे, जो कि हमारे एकादशी में ही होता है। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ मैं आलू जो बनते आलू के जो ढाबा स्टाइल जो भी आप बोलते हैं उस तरीके की सब्ज़ी मैं बना रही थी आज। तो यहाँ मैंने एक ही आलू लिए थे, क्योंकि एक ही आलू में हो गई थी सबको, कम इतनी टेस्टी बनी थी कि सब ने ख़त्म कर दिया था, बची ही नहीं थी। तो आलू में कुछ भी नहीं डालना है, बस टमाटर लेना है आलू, और जो मसाले डालने हैं वो डालने हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा में डालना चाहते हो तो दही डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दही डाली थी। अगर आपको खट्टापन नहीं पसंद है तो आप दही भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी टमाटर और हरी मिर्च, इसको मैंने कूट लिया था। कूट इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास एक ही टमाटर थी, ज़्यादा रहती तो मैं उसका प्यूरी बना लेती, लेकिन एक ही टमाटर थी तो मैंने उसे कूट लिया था ताकि अच्छे से जो है वो गल जाए। तो थोड़ा ज़्यादा देर कूटना पड़ता है क्योंकि वो फिर बढ़िया तरीके से आपको नहीं बन पाता, इसीलिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने फ़ोरन में जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता डाल दी थी। इसके बाद जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी। उसके बाद जो भी आलू उबाल लिए थे मैंने, वो आलू उबालेंगे उसको मैश कर देना, उसको काटना नहीं है, मैश करके उसे फिर जो भी मसाले हैं वो डाल देने। डालने के बाद उसे चलाना है और उसे भून के बना लेना। यहाँ मैं रेडी हो गई थी और यहाँ मैंने अपने बच्चों को भी रेडी कर लिया था। 12:30 के करीब पंडित जी आ गए थे, ना फिर मेरे हस्बैंड ने वो पिंडा किया। पिंडा करने के बाद सब कोई खा पी के आराम करने लगे, यहाँ मेरी बच्चियाँ खेलने लगी। शाम के टाइम भूख लगी क्योंकि खाना खाते खाते 2:30 बज गए थे, तो दोबारा उन्होंने नहीं खाया। तो शाम में मैंने बिहारी जो भी चूड़ा भूंजा बोलते हैं वो बनाई थी, जिसमें मैंने मूंगफली फ्राई करके साइड कर ली थी, बादाम फ्राई करके। उसके बाद मैं चूड़ा फ्राई करने लगी थी। कुछ भी नहीं डालना है, बस ऑयल डालना है, चूड़ा आपको जितना भूनना है वो डालना है, और हल्की सी नमक डालनी है, और जो आपने मूंगफली फ्राई करके रखी थी उसे डाल के दोनों डाल के अच्छे तरीके से मिला लेना है। तब तक मिलाना है जब तक वो अच्छे तरीके से लाल ना हो जाए। तो फिर यहाँ हमने शाम का नाश्ता किया, चूड़ा और मूंगफली। इसके बाद रात की खाने की तैयारी करनी थी, तो रात में हस्बैंड बोले फ्राई चावल, मतलब या नमकीन चावल या फिर तहरी आजकल बोलते हैं, तो वो बनाओ। तो यहाँ मैं तहरी बनाने लगी। इसमें सोयाबीन, आलू, सारे मसाले डाल के, चावल डाल के, नमक डाल के इसको सीटी लगा देना है। कुछ भी नहीं करना, 2 सीटी में ये पक जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के निकलती है। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था लेकिन ऐड करती तो वो और भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद जब खाने के बाद फिर सारा काम वाम करके फिर जो है सोने का टाइम हो गया। तो बच्चे लोग इतना थका देते हैं कि रात में जल्दी हम लोग सो जाते हैं आजकल। तो तहरी काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ मैं दिखा रही थी इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा बंद की थी। तो इस तरीके की मेरी तहरी बन के तैयार हो गई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में, कुछ ख़राब नहीं था, सारी चीज़ परफेक्ट था। और इसके साथ चटनी के साथ हमने खाई थी चने, मूँगफली की चटनी के साथ, काफ़ी बढ़िया टेस्ट लग रहा था। थैंक यू सो मच।